जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें करंट अफेयर 2023 वार्षिकी कर रहे हैं। यह हमारा अप्रैल सॉरी मई मई 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 11 वीडियो लेक्चर होगा, तो उम्मीद है कि पहले के आप लोगों ने 10 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोग कई सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें इटोरिया करंट अफेयर सीरीज पूरा बनाया हुआ है, फिर घटनाचक्र कई सारे सीरीज हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जो कि आप लोग देखिए और आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। पिछले 10 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक किए थे, तो आज उसी का कंटिन्यूशन रहेगा। मगर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते हैं और हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे रिवाइज करें, ताकि आपका करंट अफेयर रिविजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इस बार किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो जिसमें करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छा कर पाएँ। आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल पेज सब इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेवलमैंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट टार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर एल्विस। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट अभिनेता ऑस्टिन बटलर एल्विन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग द फेवलमैंस के लिए। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू फिल्म आर आर के लिए। अगला वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में मोंडो डुप्लाट्स अमेरिका के। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष मोंडो डुप्लांट्स अमेरिका के हैं। अगला है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर महिला सिडनी मैकलोंगियन अमेरिका की। अगला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में एरियन नाइटन। अगला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला एड्रियाना बिलागोम्स। अगला है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा में जो संपन्न हुआ उसके बारे में देखते हैं। बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर बादिर मुबाशेरी नो इंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस डेनियला मारिन आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कंदरी ईरानी फिल्म नरगिस के निर्देशक। फोकस देश रहा फ्रांस। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला चिरंजीवी को। अगला है आईफा अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए। निर्देशक विष्णु वर्धन शेरशाह। आईसीसी अवार्ड्स 2022। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइवर इंग्लैंड। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। मेंस टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत। वुमेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर
मार्को येनसेन दक्षिण अफ्रीका। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। अगला आईफा फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। 22वां लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड। अगला स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉमसन हेरा जमैका। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉमसन हेरा जमैका। अगला फीफा अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी लियोनल मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी लियोनल मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी अलेक्सिया पुटेलस स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी अलेक्सिया पुटेलस स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टेज अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी इयरपस इंग्लैंड। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी इयरपस इंग्लैंड। अगला FIH हॉकी पुरुष 2021-22। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला फेलिस एल्बार्स। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला फेलिस एल्बार्स। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष PR श्रीजेश। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष PR श्रीजेश। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला सविता पुनिया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला सविता पुनिया। अगला है स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू। अगला प्रमुख पुरस्कार, तो प्रमुख पुरस्कार में कई सारे, आइए देखते हैं एक करके। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2021 का 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2021 का 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी। और 2020 का 56वां असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर। 2022 का 56वां असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर। अगला व्यास सम्मान पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 22वां 2022 का 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी कृति पागल खाना के लिए। और 2021 का दिया 31वां असगर वजाहत नाटक है महाबली के लिए। फिर से व्यास सम्मान क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2022 का 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी कृति पागल खाना के लिए। और 21वां दिया गया 31वां 2021 का 31वां दिया गया असगर वजाहत नाटक महाबली के लिए। अगला सरस्वती सम्मान पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2022 का 32वां दिया गया शिव शंकरी तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। और 2021 का 31वां दिया गया रामदर्श मिश्रा मराठी कृति मैं तो यही हूँ के लिए। अगला सावित्री सम्मान क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2022 का 32वां दिया गया शिव शंकरी तमिल पुरस्कार सूर्यवंशम के लिए। और 2021 का 31वां दिया गया रामदर्श मिश्रा मराठी कृति मैं तो यही हूँ के लिए। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्रीय फिल्म के लिए। 2020 का 52वां दिया गया आशा पारेख को। 2021 का 51वां दिया गया रजनीकांत को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्रीय फिल्म के लिए 2022 का 52वां दिया गया आशा पारेख को। और 2019 का 51वां दिया गया रजनीकांत को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल फिल्म ऑफ द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल्की फिल्म चुप के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल्की फिल्म चुप के लिए। अगला बिहारी पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य है 2022 का 32वां दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी रिये। फिर 2021 का 31वां दिया गया मधु कंकरिया पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। फिर से बिहारी पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2022 का 32वां दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे। और 2021 का 31वां दिया गया मधु कंकरिया पुस्तक हम तो यहीं थे। अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2019 का 33वां दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आत्मकथा
अस्थि और भर्ती के लिए। वहीं 2017 का 31वां दिया गया जॉय गोस्वामी को रचना दू गोंडा फवारा मात्रो। फिर से मूर्ति देवी पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य के लिए 2019 का 33वां दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को आत्मकथा अस्थि और भर्ती के लिए। वहीं 2017 का 31वां दिया गया जॉय गोस्वामी के लिए रचना दू गोंडो फवारा मात्रो के लिए। एबल पुरस्कार क्षेत्रीय गणित में दिया गया है 2023 का लुइस कैफ्रेली अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ और 2022 का डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के। फिर से एबल पुरस्कार क्षेत्रीय गणित में दिया जाता है 2023 का दिया गया लुइस कैफ्रेली को अर्जेंटीना और अमेरिका के गणितज्ञ हैं। 2022 का दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका को। वहीं इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 का दिया गया प्रथम दिया गया एनजीओ अच्छा प्रथम एनजीओ दिया गया भारत के शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु। और 2019 का दिया गया सर डेविड एटनबरो को ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी को। फिर से इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 का प्रथम एनजीओ को दिया गया भारत के शिक्षा दायरे का विस्तार हेतु। और 2019 का सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी है। अगला यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल। गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। और 2019 का दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान को। गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को। और 2019 का दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद ओमान। अगला है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 का दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी को। और 2017 का दिया गया मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 का दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी को। और 2017 का दिया हुआ मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। अगला है बुकर पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य में 2022 का दिया हुआ है शेहान करुणातिकिया तालिका शेहान करुणा तालिकिया श्रीलंका के हैं। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा इसके लिए दिया हुआ है। 2021 का दिया हुआ डेमन गुलगुट को दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। बुकर पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य में दिया हुआ 2022 का शेहान करुणा तालिका श्रीलंका के हैं। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। और 2021 का दिया हुआ डेमन गुलगुट को दक्षिण अफ्रीका उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। अगला अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य में 2022 का दिया हुआ गीतांजलि श्री को भारत के जो है द टॉम ऑफ सेंट के लिए। और वहीं 2021 का डेविस डिओ को दिया हुआ फ्रांस का अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य में दिया हुआ 2022 के लिए गीतांजलि श्री को दिया भारत से जो है टॉम ऑफ सेंट के लिए। और 2021 का डेविड डियोप को दिया हुआ फ्रांस के जो है एट नाइट ऑल ब्लैक आर इज ब्लैक के लिए। अगला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलोई फेयर स्टेशन मिजोरम को याद दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अगला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया। वहीं अन्य पुरस्कार में देख लेते हैं एक बार चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के तपोवन एनजीओ को। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के तपोवन एनजीओ को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर कश्मीर को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर कश्मीर। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति एमटी वासुदेवन नायर को। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति दिया गया है एमटी वासुदेव नायर को। अगला संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री कर्नाटक गायक को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री कर्नाटक गायक को। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया शक्तिकांत दास को। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया शक्तिकांत दास को।
प्लिट्जर पुरस्कार 2023 दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को, ब्रिटिश वास्तुकार। प्लिट्जर पुरस्कार 2023 दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को, ब्रिटिश वास्तुकार को। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया रतन टाटा को। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है श्री रतन टाटा को। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू। पेन या नवो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनोद शुक्ला। पेन या नावो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनोद शुक्ला को। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकिंग ऑफ द ईयर 2022 शशिधर जगदीशन। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकिंग ऑफ द ईयर 2022 शशिधर जगदीशन। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि कृष्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि कृष्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक। इंटरप्रोनियर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल। इंटरप्रोनर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल। ज्ञान पन्ना पुरस्कार 2023 कवि बी मुरली मधुसूदन नायर। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 कवि बी मुरली मधुसूदन नायर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोल्लम को। अक्वर टकाटिल पुरस्कार सुभाष चंद्र चंद्रन को उपन्यास समुद्र शिला हेतु। अक्वर टकाटिल पुरस्कार सुभाष चंद्रन को उपन्यास समुद्र शिला हेतु। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को पूर्व चांसलर जर्मनी की। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल पूर्व चांसलर जर्मनी की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2023 ए बी के प्रसाद। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2023 ए बी के प्रसाद। एफ आई एच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 बी के पांडियन उड़ीसा। एफ आई एच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 बी के पांडियन उड़ीसा। नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा नताशा पेरिया नायगम। विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा नताशा पेरिया नायगम। ATD बेस्ट अवार्ड 2023 NTPC को। ATD बेस्ट अवार्ड 2023 NTPC को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को, पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को, पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। अगला 2022 का सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आर विष्णु। 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आर विष्णु। सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड और हवाई अड्डा पुरस्कार मोहन मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। बहरीन के ISA पुरस्कार 2021-22 डॉक्टर सैदुक रुइट। बहरीन का ISA पुरस्कार 2021-22 डॉक्टर सैदुक राइट रुइट। अगला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार राजस्थान फिल्म नरेरा। गोल्डन कैलाश पुरस्कार राजस्थानी फिल्म नरेरा। 28वां क्रिटिक्स चाइल्ड अवार्ड 2023 फिल्म RRR बेस्ट सॉन्ग हेतु। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 फिल्म RRR बेस्ट सॉन्ग हेतु। वर्ल्ड हैवीवेट अवार्ड 2023 ओडिशा के जग मिशन। वर्ल्ड हैवीवेट अवार्ड 2023 ओडिशा के जग मिशन। अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जलना और नागपुर। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जलना और नागपुर। अटल सम्मान पुरस्कार रघुचंद्र मिश्र। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभुचंद्र मिश्र। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 भारतीय साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 भारतीय साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मीड।
बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मिड, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेनवाल, शोभना कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेनवाल, शोभना कुमार, रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथरी चेम संगतम, रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथरी चेम संगतम। अगला है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लोडिमिर जेलेंस्की, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लोडिमिर जेलेंस्की। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा। जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओगिरत यूनान, जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओगिरत यूनान। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर अवनी लेखरा, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर अवनी लेखरा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव वालायन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव बालियन। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार राजीव कुमार सागर, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार राजीव कुमार सागर। सुमित्रा चरतम राम पुरस्कार 2022 उषा शर्मा, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 उषा शर्मा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा। साहित्य रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार कार्लोस सौरा, साहित्यिक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सौरा। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जयनंद, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जयनंद। इंडिया एग्री वेस्ट वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा, इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान एडवर्ड एम कैनेडी, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान एडवर्ड एम कैनेडी। वेली के एशफोर्ड मेंडल 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू, वेली के एशफोर्ड मेंडल 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू। सेरेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम, सेवेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार द्वारा अनुना साईराम। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2021 नर्सिंग पेशेवरों को, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2021 नर्सिंग पेशेवरों को। एजू थाचन पुरस्कार 2022 केरल सरकार द्वारा ए सेतु माधवन, एजू थाचन पुरस्कार 2022 केरल सरकार का ए सेतु माधवन। अगला कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार। स्कॉच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को, स्कॉच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 IIT मद्रास, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 IIT मद्रास। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 यूक्रेनी लोगों को, सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 यूक्रेनी लोगों को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 कर्नाटक बैंक को, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 कर्नाटक बैंक को। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद शहर को, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद शहर को। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेंडल 2022 दैनिक रॉक्सी कॉल को, देवेंद्र लाल मेमोरियल मेंडल 2022 दैनिक रॉक्सी कॉल को। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को, लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू। लता मंगेशकर अवार्ड 2022 आनंद मिलिंद को,
लता मंगेशकर अवार्ड 2022 आनंद मिलिंद को, पुरुष FIH प्लेयर 2021-22 हरमनप्रीत सिंह भारतीय, पुरुष FIH प्लेयर 2021-22 हरमनप्रीत सिंह भारतीय। अगला है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 युकिंग तांगको, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 युकिंग तांगको। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को। चेंज मेकर अवार्ड UNSDG एक्शन अवार्ड में सृष्टि बख्शी को, चेंज मेकर अवार्ड UNSDG एक्शन अवार्ड में सृष्टि बख्शी को। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडासानी को, हरमन केस्टर पुरस्कार 2022 मीना कंडासानी को। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 आलिया भट्ट को, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 आलिया भट्ट। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्रथम स्थान विज्ञान प्रगति पत्रिका को, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्रथम स्थान विज्ञान प्रगति पत्रिका को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को। विश्व साहित्यिक शिक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा मधुबनी को, विश्व साहित्य पुरस्कार शिक्षा पुरस्कार डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार झा मधुबनी को। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय को, दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय को। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन को, पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन को। यूएफए पुरस्कार करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुलेट्स को, यूएफए पुरस्कार करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुलेट्स को। अगला पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम बांग्लादेशी, पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम बांग्लादेशी। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 व्लादिमिर ज़ेलेंस्की को, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 व्लादिमिर ज़ेलेंस्की को। स्वेलेकर दी लाल लीजन दी ऑनर फ्रांस शशि थरूर को, स्वेलेकर दी लाल लीजन दी ऑनर फ्रांस शशि थरूर को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। जैसी डेनियन अवार्ड 2022 केपी कुमारन फिल्म निर्माता को, जैसी डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन फिल्म निर्माता को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक यूरोमनी द्वारा DBS बैंक को, विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक यूरोमनी द्वारा DBS बैंक को। सरदार पटेल उत्कृष्टता ICAR संस्थान पुरस्कार नर्म को, सरदार पटेल उत्कृष्टता ICAR संस्थान पुरस्कार नर्म को। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मरणोपरांत। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मरणोपरांत। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायणन कुमार को, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायणन कुमार को। शिरोमणि पुरस्कार 2022 यूके में मिशेल पुनावाला को, शिरोमणि पुरस्कार 2022 यूके में मिशेल पुनावाला को। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके संसद द्वारा तनुजा नैसारी को, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके संसद द्वारा तनुजा नैसारी को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सुता को, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सुता को। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार उड़ीसा सरकार को, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम स्थान उड़ीसा सरकार को। कैंपेनगोला इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को, कैंपेनगोला इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस को। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE पुरस्कार 2022 गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति COVID-19 के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु। द मोस्ट एक्सीलेंट लीड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE पुरस्कार 2022 गुरु स्वामी कीर्ति मूर्ति को कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु। अगला है टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को। टाइम बिजनेस ऑर्डर अवार्ड 2022 रश्मि साहू को। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डेरेन सेमी वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डेरेन सेमी वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान। संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार संजीत नार्वेकर को। बी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अचीवमेंट पुरस्कार संताराम नार्वेकर को। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 ए गोपाल कृष्णन को। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 ए गोपाल कृष्णन को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णा और कृष्णन और विजयलक्ष्मी को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजयलक्ष्मी को। विलियम ई कोलबी पुरस्कार 2022 वेस्ले मार्गेन द हार्डेसेस प्लेस को। विलियम ई कोलबी पुरस्कार 2022 वेस्ले मार्गेन द हार्डेसेस हार्डेस्ट प्लेस प्लेस को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पीरामल को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पीरामल को। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट को। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विजलेक को। अगला करंट अफेयर खेल परिदृश्य। तो खेल परिदृश्य से जुड़े हुए कई सारे करंट अफेयर आइए देख लेते हैं करके। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 देख लेते हैं। आयोजन हुआ बर्मिंगम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। आयोजन हुआ बर्मिंगम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में। उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में। शुभांकर रहा पेरी द बुल डिजाइनर एमा लू को। शुभांकर रहा पेरी द बुल डिजाइनर एमा लू। मोटो रहा स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। मोटो इसका था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। कुल देश 72 स्पर्धा टोटल 280 और खेल 20। कुल देश 72 स्पर्धा 280 और खेल 20। भारतीय एथलीटों की संख्या 213। भारतीय एथलीटों की संख्या 213। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड QC। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड QC। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक अचंत शरद कमल और निखत जरीन। समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक अचंत शरद कमल और निखत जरीन। भारत के लिए पहला पदक जीता कौन तो संकेत महादेव सागर रजत भारतोलन 55 किलोग्राम महाराष्ट्र के। भारत के लिए पहला पदक जीता संकेत महादेव सागर रजत पदक भारतोलन में 55 किलोग्राम वर्ग में महाराष्ट्र के। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू भारतोलन में 39 किलोग्राम मणिपुर से। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू भारतोलन में 39 किलोग्राम मणिपुर से। भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता तो यह अचंत शरद कमल। टेबल टेनिस में कुल 4 पदक। भारत की किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता तो अचंत शरद कमल। टेबल टेनिस में कुल 4 पदक। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता तो कुश्ती में जीता कुल 12 पदक जिसमें 6 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता तो कुश्ती में जीता कुल 12 पदक जिसमें 6 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य। सबसे कम उम्र में भारतीय एथलीट अनाहत सिंह 14 वर्ष स्क्वैश खेल। सबसे कम उम्र में भारतीय एथलीट अनाहत सिंह 14 वर्ष स्क्वैश खेल। अगला सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट सुनील बहादुर 45 वर्ष लॉन बॉक्स बाउल्स में। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट सुनील बहादुर 45 वर्ष लॉन बाउल्स में। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार
तिया नवेई फेंग को मिला टेबल टेनिस में सिंगापुर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार। तेन वेई फेंग को मिला टेबल टेनिस सिंगापुर में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। यहाँ पर पदक तालिका दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कुल 67 स्वर्ण 57 रजत और 54 कांस्य के साथ 178 पदक के साथ पहले स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर 67 स्वर्ण 57 रजत और 54 कांस्य के साथ कुल 118 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा 56 पदक 56 स्वर्ण 65 रजत और 53 कांस्य के साथ 175 पदक। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर 56 स्वर्ण 65 रजत और 53 कांस्य के साथ 175 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर रहा कनाडा 26 स्वर्ण 32 रजत और 34 कांस्य के साथ 91 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा 26 स्वर्ण 32 रजत 34 कांस्य और कुल पदक 92। वहीं भारत का स्थान चौथा रहा कुल 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल पदक 61। भारत चौथे स्थान पर रहा 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल पदक 61। अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। तो आइए देख लेते हैं इसमें आयोजन इसका हुआ। गुजरात 6 शहरों में 27 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। आयोजन इसका हुआ गुजरात में 6 शहरों में 27 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। उद्घाटन इसका क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। शुभांकर इसका था स्वराज एशियाई शेर। अगला थीम खेलों से एकता का उत्सव। थीम इसका था खेलों से एकता का उत्सव। थीम गीत था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। अगला आदर्श वाक सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। आदर्श वाक इसका था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। अगला सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सज्जन प्रकाश तैराकी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सज्जन प्रकाश तैराकी को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हर्षिका रामचंद्रन तैराकी को मिला। पहली बार शामिल दो खेल कौन कौन से थे, तो योगासन और मल्लखंभ। राष्ट्र खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सौर्यजीत खैर मल्लखंभ के। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सौर्यजीत खैर मल्लखंभ में। योगासन में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी पूजा पटेल। पदक तालिका देख लेते हैं। यहाँ पर रैंक दिया हुआ है राज्य या यूनाइटेड स्टेट्स स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक। तो पहला है सर्विसेज कुल 61 स्वर्ण 35 रजत और 32 कांस्य के साथ 128 पदक। टोटल। दूसरा है महाराष्ट्र 39 स्वर्ण 38 रजत और 63 कांस्य के साथ कुल 140 पदक। तीसरा है हरियाणा 38 स्वर्ण 38 रजत और 39 कांस्य के साथ 115 पदक। वहीं 12वें स्थान पर गुजरात 13 स्वर्ण 15 रजत और 21 कांस्य के साथ कुल 49 पदक। 12वें स्थान पर गुजरात 13 स्वर्ण 15 रजत और 21 कांस्य के साथ कुल 49 पदक। अगला 8वां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022, इसे देख लेते हैं एक बार। आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक। विजेता रहा इंग्लैंड दूसरी बार 5 विकेट से, कप्तान था जॉर्ज बटलर। उपविजेता पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच यथा सैम करन इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज था सैम करन इंग्लैंड के। वहीं 9वीं टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में वेस्टइंडीज और यूएई में होगा। फिर से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022। आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया 16 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर 2022 तक। विजेता रहा इंग्लैंड दूसरी बार 5 विकेट से, कप्तान जॉर्ज बटलर। उपविजेता पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैम करन इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला सैम करन इंग्लैंड को ही। 9वां टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2014 में होगा वेस्टइंडीज और यूएई में।
अगला प्रथम महिला प्रीमियर लीग आयोजन इसका वो महाराष्ट्र संस्करण रहा पहला आयोजन इसका वो महाराष्ट्र संस्करण था पहला। विजेता था मुंबई इंडियंस, कप्तान था हरमनप्रीत कौर। विजेता मुंबई इंडियंस कप्तान हरमनप्रीत कौर। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स कप्तान मेग लॉनिंग। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स कप्तान मेग लॉनिंग। अगला है पर्पल कप, सर्वाधिक विकेट लिया हैली मैथ्यूज ने। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट लिया हैली मैथ्यूज ने। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन मारे मेन लॉनिंग ने। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन मेग लॉनिंग ने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर याशिता भाटिया को मिला। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर याशिता भाटिया। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर नताली सिवाट ब्रांट को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर नताली सिवाट ब्रांट को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैली मैथ्यूज। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैली मैथ्यूज। अगला है ग्रैंड स्लैम टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022-23। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन दिया हुआ है, तो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन देखते हैं, फिर इसी तरह से फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और अमेरिकी यूएस ओपन भी दिया हुआ है। तो मतलब सारा का सारा यहीं पे दिया हुआ है, एक साथ आइए देख लेते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उपविजेता है स्टेफन सित्सिपास ग्रीस के। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उपविजेता स्टेफनोस सित्सिपास ग्रीस के। महिला एकल में एरिना सबलेंका बेलारूस की, और उपविजेता है एलिना राइवकिना कजाकिस्तान की। महिला एकल में एलिना सबलेंका विजेता बेलारूस की, और उपविजेता एलिना राइवकिना कजाकिस्तान की। वहीं पुरुष युगल में विजेता है जेनाक कुबलकर ऑस्ट्रेलिया, और रिंकी हिजी काता ऑस्ट्रेलिया की। वहीं उपविजेता है ह्यूगो निस मोनाको, और जॉन जिलिस्की पोलैंड के। पुरुष एकल में विजेता जेनस कुबल ऑस्ट्रेलिया के, और रिंकी हजिकाता ऑस्ट्रेलिया के। वहीं उपविजेता ह्यूगोनिस मोनाको और जॉन जिलिस्की पोलैंड की। वहीं महिला युगल में बारा बोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज, और कातेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज की विजेता है, और उपविजेता शुको युआमा जापान, और इना शबहारा जापान की हैं। महिला युगल में विजेता बारा बोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज, और कतेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज की। वहीं उपविजेता शुको ओयामा जापान, और इना शिवहारा जापान की। मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी ब्राज़ील, और राफेल माटोस ब्राज़ील के विजेता हैं। और वहीं उपविजेता सानिया मिर्जा भारत, और रोहन बोपन्ना भारत के हैं। मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी ब्राज़ील, और राफेल माटोस ब्राज़ील के विजेता हैं। वहीं उपविजेता सानिया मिर्जा भारत, और रोहन बोपन्ना भारत के हैं। अब फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन के, और विजेता हैं उपविजेता हैं कैस्पर रूड नॉर्वेजियन। पुरुष एकल में विजेता हैं राफेल नडाल स्पेन के, वहीं उपविजेता हैं कैस्पर रूड नॉर्वेजियन। वहीं महिला एकल में ईगा स्वियाटेक पोलैंड के विजेता हैं, वहीं उपविजेता कोको गैफिक अमेरिका के हैं। महिला एकल में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की विजेता हैं, वहीं कोको गैफ अमेरिका के उपविजेता हैं। पुरुष युगल में मार्सेलो अरवाले अल सल्वाडोर के, वहीं और जिन जूनियर रोजर नीदरलैंड के विजेता हैं। वहीं इवान डोडिग क्रोएशिया के, और ऑस्टिन क्रेजिसेस अमेरिका के उपविजेता हैं। पुरुष एकल में मार्सेलो अरवालो अल सल्वाडोर, और जिन जूनियर रोजर नीदरलैंड के यह विजेता हैं, और उपविजेता हैं इवान डोडिंग क्रोएशिया, और ऑस्टिन क्रेजिसेट अमेरिका के। महिला युगल में कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच की, और क्रिस्टीना माना दिनोविक फ्रांस की यह विजेता है। वहीं उपविजेता जेसिका पेलुगा अमेरिका के, और कोको गैफ अमेरिका की। यहाँ पे आपको शोर थोड़ा सा बारिश का रहेगा, क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हो रहा है। आपको यह वीडियो कल मिलेगा, तो आप लोग भी बारिश का इन्जॉयमेंट आज ले रहे होंगे। एक दिन बाद आपको यह वीडियो मिलेगा, तो आप लोग भी इसका इन्जॉयमेंट ले रहे होंगे इन्जॉय के लिए। तो आवाज़ थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उतना आप इग्नोर करके चलिए, क्योंकि अब बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। फिर से महिला युगल देख लेते हैं। कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच, और क्रिस्टीना
मानदेनोविक फ्रांस की विजेता है, वहीं उपविजेता जेसिका पेगुला अमेरिका की और कोको ग्रैफ अमेरिका की। आयोजन 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैसोर में हुआ था। आयोजन इसका हुआ था 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में। अगला विंबलडन ओपन 2022, यहाँ पे देख लेते हैं। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता है, उपविजेता एन क्रिगियोस ऑस्ट्रेलिया के। पुरुष एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, वहीं उपविजेता एन क्रिगियोस ऑस्ट्रेलिया के। महिला एकल में विजेता है एलेना रिवाकिना कजाकिस्तान की और उपविजेता है ओनस जेबूर ट्यूनेशिया के। महिला एकल में एलेन रवाकिना कजाकिस्तान की विजेता है, वहीं ओन्स जेबुआ ट्यूनेशिया की उपविजेता है। पुरुष युगल में माथेयू एमडेन ऑस्ट्रेलिया के विजेता हैं और मैक्स पासलेन ऑस्ट्रेलिया के विजेता हैं। वहीं उपविजेता इसके रहे निकोला मेकिट क्रोएशिया और मैटे पाविक क्रोएशिया, यह उपविजेता रहे। फिर से पुरुष युगल में देख लेते हैं, विजेता माथेयू एमडेन ऑस्ट्रेलिया और मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता हैं निकोला मोकिट क्रोएशिया और मैट पाविक क्रोएशिया। वहीं महिला युगल में देख लेते हैं तो कैटरीना सिनियाकोवास चेक गणराज्य और बारबोरा क्रेजिकोवास चेक गणराज्य विजेता हैं। वहीं उपविजेता झांग सुई चीन और एलिसा मार्टेल बेल्जियम की। फिर से महिला युगल में विजेता देख लेते हैं तो कैटरीना सिनियाकोवास चेक गणराज्य और बारबोरा क्रेजिकोवास चेक गणराज्य के। वहीं उपविजेता इसके हैं झांगा सुई चीन और एलिसा मार्टेज बेल्जियम की। आयोजन इसका हुआ था 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक लंदन यूके में। आयोजन इसका हुआ था 27 जून से 10 जुलाई 2022 लंदन यूके में। अगला अमेरिकी यूएस ओपन 2022, इसे देख लेते हैं। तो पुरुष एकल में विजेता हैं सी अल्कराज गार्फिया स्पेन के और उपविजेता हैं सी रूडो नॉर्वे के। पुरुष एकल में विजेता हैं सी अल्कराज गार्फिया स्पेन की और सी रूडो नॉर्वे के। वहीं महिला एकल के विजेता हैं ईगा स्वीटेक पोलैंड की और उपविजेता हैं ओ जबेउर ट्यूनेशिया के। महिला एकल में विजेता है ईगा स्वीटेक पोलैंड की और ओ जबेउर ट्यूनेशिया के। वहीं पुरुष युगल में विजेता हैं राजीव राम अमेरिका और जो स्लाइस सर्वे ब्रिटेन की। वहीं उपविजेता है डब्लू कुलहोफ नीदरलैंड और एन स्क्यूपसी ब्रिटेन की। पुरुष युगल में विजेता है राजीव राम अमेरिका और जो सैलिसवरी ब्रिटेन के। वहीं उपविजेता इसके हैं डब्लू कुलहोफ नीदरलैंड और एन स्क्यूपसी ब्रिटेन की। वहीं महिला युगल में विजेता है के सिनियाकोवा चेक गणराज और बी क्रेजोकोवास चेक गणराज और उपविजेता हैं सी मैकनली अमेरिका और टी टाउनसेंड अमेरिका। महिला युगल में विजेता है के सिनियाकोवा चेक गणराज वहीं और बी क्रेजिकोवास चेक गणराज और उपविजेता है सी मैकनवेली अमेरिका और टी टाउनसेंड अमेरिका। मिश्रित युगल में एस सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया और पी जे पियर्स ऑस्ट्रेलिया विजेता हैं, वहीं उपविजेता इसके हैं के फिलिपकेन बेल्जियम और रॉजर बेसेलिन फ्रांस। मिश्रित युगल में विजेता हैं एस सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया और जे पियर्स ऑस्ट्रेलिया, वहीं उपविजेता हैं के फिलिपकेन्स और बेल्जियम और रॉजर बेसेलिन फ्रांस। आगे देखते हैं चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन और यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेले जाते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन तथा विंबलडन तथा यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेले जाते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेले जाते हैं और विंबलडन घास के मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। अगला न्यूज़ है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, आइए इसे देख लेते हैं। आयोजन इसका हुआ था टोक्यो जापान में।
आयोजन इसका होता टोक्यो जापान में। शुभांकर इसका था मिराई तोवा, शुभांकर था इसका मिराई तोवा। अदर्स वाक यूनाइटेड बाई इमोशन। उद्घाटन इसका उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था बजरंग पुनिया पहलवान। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था बजरंग पुनिया पहलवान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता यांग कियान चीन शूटिंग में। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता यांग कियान ने चीन शूटिंग में। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू। भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। प्रथम स्थान अमेरिका का कुल 113 पदक के साथ। प्रथम स्थान अमेरिका का कुल 113 पदक के साथ। दूसरा स्थान चीन का कुल 88 पदक के साथ। दूसरा स्थान चीन का कुल 88 पदक के साथ। तीसरा स्थान जापान का कुल 58 पदक के साथ। तीसरा स्थान जापान का कुल 58 पदक के साथ। भारत का स्थान 48वां कुल 7 पदक के साथ। भारत का स्थान 48वां कुल 7 पदक के साथ। 33वां ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। अब यहाँ पे 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 इसे भी देख लेते हैं। आयोजन इसका हुआ टोक्यो जापान में। आयोजन इसका हुआ टोक्यो जापान में। शुभांकर मॉस्कट इसका था सोमाईटी। शुभांकर मॉस्कट इसका था सोमाईटी। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक टेक चंद भाला फेंक। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक टेक चंद थे भाला फेंक में। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था अवनी लेखारा निशानेबाजी। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे अवनी लेखारा निशानेबाजी में। पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया। पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के। भारत के लिए पहला पदक भवीना पटेल। भारत के लिए पहला पदक भवीना पटेल। भारत के लिए पहला स्वर्ण अवनी लेखारा। भारत के लिए पहला स्वर्ण अवनी लेखारा। प्रथम स्थान चीन का रहा 96 स्वर्ण के साथ कुल 207 पदक। प्रथम स्थान में चीन का रहा 96 स्वर्ण के साथ कुल 207 पदक के साथ। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का 41 स्वर्ण के साथ कुल 124 पदक। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का 41 स्वर्ण पदक के साथ कुल 124 स्थान। तीसरा स्थान अमेरिका का रहा 37 स्वर्ण के साथ कुल 104 पदक। तीसरा स्थान अमेरिका का रहा 37 स्वर्ण के साथ कुल 104 पदक। भारत का स्थान रहा 24वां 5 स्वर्ण के साथ कुल 19 पदक। भारत का स्थान 24वां रहा 5 स्वर्ण के साथ कुल 19 पदक। पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक रजत पदक। पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक रजत पदक। पैरालंपिक 2016 रियो द जेनेरियो ब्राज़ील 2024 पेरिस फ्रांस में। पैरालंपिक 2016 रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ और 2024 का पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। अगला है आगामी खेल आयोजन स्थल। तो कौन सा खेल कहाँ होने वाला है उसके बारे में है, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो करंट अफेयर सीरीज देखते हैं और करंट अफेयर जिनके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी यह पहल आपको कैसी लगी, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। तब तक के लिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।